हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा धमाकेदार फुल पावर नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का नमस्ते धमाकेदार YouTube चैनल में। तो कल हमने डिस्कस किया था मोरलिटी के बारे में, है ना। मोरलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलो, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। नॉर्मली जस्ट रिवीजन के तौर पे नंबर ऑफ मोल्स देखो बेटा, एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। क्या है? एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। हमने मान लिया ए, तो क्या है ए, ए हमने मान लिया इधर, देखना इधर ए और बी है, है ना। तो ए हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, और बी हो गया बेटा सोल्यूट। क्या हो गया? सोल्यूट। तो अगर हमें इसका वेट लेना हो तो हम इसको डिनोट कर देंगे WB, जो कि है वेट ऑफ क्या है, सोल्यूट, है ना, जो कि क्या है वेट ऑफ सोल्यूट। और अगर इसको सोल्वेंट का वेट लेना है तो क्या कर दूंगा, WB से डिनोट कर दूंगा, और WB क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सोल्वेंट। क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ सोल्वेंट। समझ में आया? ठीक है। अगर हमें बी का क्या चाहिए, बी क्या क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एमबी। एमबी क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास। ये कैपिटल एम ऐसे है और बी नीचे है बेटा, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। और अगर मान लो एम और ए लिखूं तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो समझ में आया ना, ये हम ए फंडा यूज करने वाले हैं हर एक चीज में। तो ये WB और MB का कोई डिफरेंस, मतलब आपको ये एक वो चक्कर नहीं होना चाहिए कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है, बार बार ये यूज होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या था? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यही था। जैसे कि अगर मान लो मैंने दिया था 149 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा, जिसका हमें क्या निकालना है, इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और मॉलिक्यूलर मास निकालना भी मैंने बताया था, एटॉमिक मास का सम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, दो हाइड्रोजन दो से मल्टीप्लाई कर दें। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 60, लेकिन चार ऑक्सीजन है तो चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और बाकी ऐड करते जाएंगे तो ओवरऑल 98 आ जाएगा बेटा। कितना जाएगा? 98 आ जाएगा। इसी तरीके से कल हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाला था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके बेटा, कैल्शियम का 40 हो गया, प्लस में ऐड करते जाना ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 into 2, कितना 40, और ये प्लस 7, ये 17 into 2 हो जाएगा, और ये ओवरऑल आ जाएगा बेटा 74। ये कुछ इस तरीके से अपन ने मॉलिक्यूलर मास निकाला था। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 49 ग्राम, गिवन वेट कितना हो गया बेटे 49, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 98, तो कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। मोरलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, समझ, ये डेफिनेशन कल पढ़ी थी ना अपन ने, मोलरिटी की डेफिनेशन बेटा, मोलरिटी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी बेटा मोलरिटी की? डेफिनेशन क्या थी मोलरिटी की? डेफिनेशन ये थी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि क्या था बेटा जी, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। 1 लीटर सोल्यूशन में क्या था हमारे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, है ना, सॉल्यूट के हाउ मेनी
नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ किसके पूछ रहा है सॉल्यूट, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है ध्यान रखना। ओके बेटा, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी मोल है रेडी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोलारिटी का, तो ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर था ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या था लीटर के अंदर। अगर मैं इसको मिलीलीटर के अंदर चेंज करूंगा, देखो सबसे पहले मोल यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, दो चीजें थी हमारे पास है ना, ए और बी, तो बी बी का वेट डब्ल्यू बी हो गया ना, गिवन वेट फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ए होता है, और नीचे क्या दे रखी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि किसके अंदर रखी है बेटा, लीटर के अंदर दे रखी है। यहां पर क्या दे रखी है, वॉल्यूम, वो भी लीटर के अंदर, और अगर इसको मिलीलीटर के अंदर चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर तो चला जाएगा, तो यही फॉर्मूला बनेगा ना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी अगर हमें लीटर के अंदर दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर मिलीलीटर के अंदर दे रखा होगा तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी by mp into 1000 divided by volume of solution in milliliter ml है। ठीक है, यहां पर ये डेफिनेशन लिख लेना, और इसके नीचे मैं लिखवा देता हूं बेटा, ये इसके नीचे लिखना है, ये लिखने सारे टर्म एक बार लिखवा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओ कभी। ठीक है, इस फॉर्मूले के नीचे लिख लेना बेटा, ये कॉपी पेन उठा लो, अब नोटबुक उठा लो, नोट बना लो ना, देखो वेयर वेयर डब्ल्यू बी नोट्स कर रहा है किसको, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एम बी मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा जी, दूसरा, और ये दे रखी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है, ये तो है हमें पता ही। ठीक है, तो मोलारिटी समझ में आई बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, कल एग्जांपल किया था, एग्जांपल कौन सा क्या था बताओ जरा, कल एग्जांपल किया था ना, एक व्हेन क्या, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन देन कैलकुलेट इट्स मोलारिटी, तो वो कर लिया था, गिवन वेट 49 था है ना, और वॉल्यूम भी दे रखी थी मिलीलीटर के अंदर दे रखी, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अपन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का हमें पता ही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करो, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था ना, कितना था 74, ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट या मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बेटा, तो ये लिखो क्वेश्चन नंबर 2, अगला न्यूमेरिकल है, मतलब व्हेन 37 व्हेन 148 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन 250 ml of solution then calculate its molarity
मोल है रेटी। ओके बेटा, मिलीलीटर के अंदर दे रखा है भाई, ये मिलीलीटर के अंदर देखा तो सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर, जो मिलीलीटर के अंदर होगा वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो मोलरिटी निकाल लेंगे फॉर्मूला, WB / MB * 1000 और वॉल्यूम किसके अंदर बेटा, मिलीलीटर के अंदर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, कितने गिवन वेट कितना है, WB गिवन वेट कितना है 148, मॉलिक्यूलर मास कितना है 74 और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 250। कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, अरे कर लेंगे नहीं कर लेंगे, अरे कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा बोलो, ये 2 और ये कितना 4 और टोटल 8 आ जाएगा। मोलर ध्यान से कैलकुलेट कर लेंगे, कर लेंगे बेटा इतना तो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा करते हैं, ये खुद करके दिखाना, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ये खुद करके दिखाना। देखो वहन 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज डिजोल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। तो कर दोगे, WB कितना गिवन है 80, इसका मोलर मास निकालेंगे, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये गिवन वेट कितना 80, मोलिकुलर वेट कितना आया 40 और ये 1000, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा 450 मिलीलीटर के अंदर रखे हैं। तो इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है बेटे। चलो वीडियो को पॉज करके ही पूरी कैलकुलेशन आप कर लेना, नोट्स में ऐड करने हैं ही, ठीक है ना, नोट्स में अच्छे तरीके से ऐड करने हैं। अब देखो बेटा, अभी ध्यान से समझना, ये देखना एक बार कि अभी हमने पढ़ी थी मोलरिटी, है ना, मोलरिटी पढ़ी थी ना, इसकी डेफिनेशन बेटा ध्यान से समझना, और इससे रिलेटेड टर्म आती है मोलरिटी आती है, तो उसको कैसे हमें एक डिफरेंशिएट करना है, वो चीज हमारे समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या लिखा था, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present per liter of the dissolved per liter of present per liter of solution, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या प्रेजेंट या फिर यहां पर क्या ले सकते हैं डिजोल्व, एक ही बात है बेटा, डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एक टर्म। ये तो देखो आरआईटी मोलरिटी है और एक टर्म आते हैं मोलरिटी, आर की जगह एल आ जाएगा मोलरिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो फॉर्मूला क्या था इसका, है ना, WB / MB into 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या था इन मिलीलीटर, यही था। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज
यानी कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्यूट, पर केजी ऑफ क्या कह रहा है ये सॉल्वेंट, यहां पर क्या है सॉल्यूशन और यहां पर क्या है सॉल्वेंट, ध्यान से देखना बेटा है ना। इसका दूसरा फॉर्मूला पहले वाला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था किसके अंदर इन लीटर के अंदर था ना, है ना। ये था इसका फॉर्मूला, देखते हैं इसका स्मॉल एम से डिनोट करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या आ जाएगा ध्यान से देखना वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और ये भी किसके अंदर किलोग्राम के अंदर, किसके अंदर केजी के अंदर। अगर बेटा देखो यहां पर लीटर है और मिलीलीटर के अंदर चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, अब मैं ग्राम के अंदर चेंज करूंगा इसको तो क्या करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा ना। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, डब्ल्यू बी नंबर ऑफ मोल्स तो भाई रहेगा सॉल्यूट का, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा डब्ल्यू ए और ये क्या है बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, ये डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू ए है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये क्या है इन ग्राम, अगर 1000 आ रहा तो ग्राम के अंदर अपन ने ले लिया है। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया, ऐसे लिखना है डेफिनेशन, इट इज डिवाइडेड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल एम से पहला फॉर्मूला ये बनेगा, दूसरा फॉर्मूला ये वाला ही बनेगा डब्ल्यू बी बाय एम बी 1000 बाय डब्ल्यू ए, ऊपर मैं लिखवा देता हूं, ऊपर लिखवा देता हूं मैं वेयर, ये लिख लेना बेटा वेयर सेम वही आ जाएगा वेयर डब्ल्यू बी क्या है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट और डब्ल्यू ए क्या है बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट और वो भी किसके अंदर इन ग्राम्स, ठीक है बेटा समझ में आया ना वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। चलो एक चीज ये नोट कर लिया बेटा, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो ठीक है, अच्छे तरीके से लिख लेना और एक नोट डलवा देता हूं मैं, ये लिख लेना आप कहीं पे भी आपको जैसे मान लो ये एक सी चीजें कुछ नोटिफिकेशन मिले तो वो कैसे समझना है आपको, एक तो परसेंट मिले है ना, एक तो परसेंट मिले बेटा देखो भाई ये मास परसेंटेज है, मास परसेंट लिखो भाई तो तीसरे टाइम लिख लो आप मास परसेंट कैसे निकालते हैं
किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मान लो मास परसेंट कैसे निकालते हैं? मास परसेंटेज यानी कि वेट बाय वेट परसेंट, ये बेटा परसेंट है, ठीक है, ये कैसे निकालना है? देखो हमारे पास सॉल्यूशन की अमाउंट दे रखी है 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या है बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट, यानी कि कितना सॉल्यूट का मास मास प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है वो उसका क्या हो जाएगा मास प्रेजेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड या फिर इट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिख सकते हैं हाँ बेटा, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो मास परसेंट अगर हमें निकालना है, मास परसेंट अगर हमें निकालना है बेटा ये परसेंट देख लेना स्पेलिंग इधर, मास परसेंट, मास परसेंट, ठीक है, मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये ध्यान देना भाई, ये सिंपल है बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये आप लिखे। उसके बाद एक टर्म आती है बेटा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जीडीएच स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो इसका मतलब है बेटा जी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंटिंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वो भी किसके अंदर इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो समझ में आया क्या होगा ना, मास परसेंट कैसे नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है वो उसका क्या हो जाएगा बेटा मास प्रेजेंट हो जाएगा, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं यानी कि देखो सॉल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट होगी, 1 लीटर सॉल्यूट के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूट के अंदर ये हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसके अंदर सॉल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, ध्यान देना होता है, ठीक है, और अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है और सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे तो उसकी मोलरिटी बन जाएगी, ध्यान देना है, कंफ्यूज मत होना ही, ठीक है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लिख दो बेटा मास यानी कि स्ट्रेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे बेटा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वो भी ग्राम के अंदर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये किसके अंदर ले लेंगे अपन, लीटर के अंदर ले लेंगे, ठीक है,
ये अच्छे से पढ़ना बेटा। और देखो एक दो चीजें और लिखवा देता हूं मैं आपको। अगर मान लो आपको दे रखा है, आपको दे रखा है मान लो 2% HCl, ये नोट करके लिख लेना भाई और याद कर लेना, रिमेम्बर याद ही करने हैं आपको, ठीक है बेटा। 2% HCl by mass, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, that means, इसका मतलब है that means 2 gram of HCl, 2 gram of HCl present in 100 gram of solution, ध्यान से समझ लेना बेटा, 100 gram of solution, ठीक है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो आपको दे रखा है 20% H2SO4 by mass, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, 20 ग्राम, दैट मीन इसका मतलब क्या हो गया, 20 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये समझ में आ गया होगा ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये दे रखा है 2% मान लो 38% दे दिया, 40% HCl by mass ये दे दिया आपको, तो आपका मतलब क्या होगा, 40 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पर दे दे 50% H2SO4 by mass तो क्या हो जाएगा, 50 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ गया बेटी, चलो ठीक है। दूसरी चीज क्या है ये और आप लिख लेना। अगर मान लो आपको गिवन है, अगर आपको गिवन है 3N सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मान लो आपको दे रखा है 3N सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इसका मतलब 3N मोलर है बेटा, ये क्या है, मोलर बोलते हैं इसको, मोलर, इसका मतलब क्या है, दैट मींस इसका मतलब ये है बेटा, 3 moles of NaCl present in 1 liter of solution, इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है 3 moles of NaCl present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, समझ में आया। अगर मान लो आपको दे रखे हैं मान लो 20 m सॉल्यूशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 20 मोल्स ऑफ HCl present in 1 liter of सॉल्यूशन, समझ में बेटा, ये आज आप अच्छे से पढ़ लेना। यहां तक देखो हमने मास परसेंट पढ़ लिया है, स्ट्रेंथ पढ़ लिया है, मोलरिटी पढ़ लिया है और मोलालिटी भी पढ़ लिया है, उसके फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, और कल हम मोलालिटी और मोलरिटी के ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना और याद कर लेना। ओके बेटे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay excited, okay?